सलाम अच्छा टॉपिक है इवोल्यूशन फ्रॉम प्रो क्रियोड टू यू क्रियोड। आज मैंने आपको बताना है यू क्रियोड प्रो क्रियोड से कैसे इवोल्व हुए हैं कैसे यू क्रियोड बने आपको बताता चलो दुनिया में सबसे पहले प्रो आए थे और सबसे पहली जगह जहां ये आपको नजर आए थे उसका नाम है हाइड्रोथर्मल वेंट हाइड्रोथर्मल वेंट है क्या मतलब लाइफ बिगन होती है स्टार्ट होती है डीप इन द ओशन एक ऐसा समुद्र की जगह जो कि आप कह सकते हैं जो होट स्प्रिंग है जहाँ पे पानी गर्म है एक गर्म पानी का चश्मा समुद्र के अंदर ही उस जगह को नाम देते हैं तेरे को वेंट है ये एक ऐसी जगह है जो बेसिकली सप्लाई करती है रो मटेरियल एंड एनर्जी प्रोवाइड करती है ताकि वहाँ पे सर्वाइवल हो सके और ओरिजन हो सके अर्ली लाइफ और सबसे पहला जो प्रोक्रियोट है वो आर्चियो बैक्टीरिया था और हाइड्रोथर्मल वेंट में नज़र आया था उसकी वजह ये है कि इस गर्म पानी में इसकी रहने की खासियत यह है क्योंकि ये टोलो कर सकता है वन सेंटीग्रेड की, की तरफ और यहाँ पे याद रखना ये लेस इवोल्व्ड है इससे ज्यादा इवॉल्व नहीं हुआ ज़्यादा चेंज नहीं आया अब मेरे बच्चे पुराने ज़माने की बात करो तो पुराने ज़माने के बारे में आपको ये बताता चलो प्रीमेटिव इन्वायरमेंट कैसा था जब ज़मीन के ऊपर पहला जानवर आया उस वक्त का बात करूंगा कि उस वक़्त रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट था मतलब जितने भी जानदार थे उनकी फोटोसेंसिस का केमिकल रिएक्शन आपके सामने लिखा हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन सल्फाइड से मिलता था फिर एक शुगर बनती थी वाटर बनता और सल्फाइड खारज होता था हाइड्रोजन जो सल्फाइड है ना ये एक सोर्स है हाइड्रोजन का जो कि फोटोसेंसिस के, फोटो के दौरान हाइड्रोजन का जो सोर्स था हाइड्रोजन सल्फाइड था उस वक़्त इतनी वराइटी नहीं थी लिविंग ऑर्गेनिज्म की न्यूट्रंस की भी कमी थी फिर वक्त चेंज होता होता आज का जमाना आया प्रेजेंट इन्वायरमेंट प्रेजेंट इन्वायरमेंट रिड्यूसिंग एनवायरमेंट से चेंज होकर क्या हो गया ऑक्सीडाइजिंग एन्वायरमेंट अब कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन होता है वाटर के साथ और फिर बनती है शुगर फिर वाटर और फिर ऑक्सीजन रिलीज होती है अब देखिए वहां पर सल्फाइड रिलीज हो रही थी अब ऑक्सीजन लाइब्रेट हो रही है निकल रही है वहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड था यहाँ पे वोटर आ गया अब वोटर सोर्स है हाइड्रोजन नाउ फॉर फोटोसेंसिस तो अब यहाँ पे हाइड्रोजन का जो सोर्स बन गया वो बेटा कौन बन गया वाटर बन गया और लाइब्रेट होना शुरू होगी निकलना स्टार्ट होगी ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसेंसिस अब बेटा के दौरान जब ऑक्सीजन निकलना स्टार्ट हुई है तो याद रखना ओजोन फॉर्मड हो गए ओजोन बन जो के बन ago, जो कि कब बनी थी फोर मिलियन ईयर्स अगो जो कि फ़िल्टर करती है अल्ट्रा रेज को अब पुराने ज़माने की भी बात कर ली प्रो क्रियोड की भी बात कर ली अब बात करते हैं यू क्रियोड प्रो क्रियोट से कैसे बना ये हमारे पास एंडोसिम्बियंट हाइपोथेसिस है और ये बेसिकली पेश करने वाला लिन मार्गुलस है जिसने ये पेश किया है एक हमारे पास कॉन्सेप्ट यह लिखा हुआ है एक कॉन्सेप्ट हमारे पास ये लिखा हुआ है पहला कॉन्सेप्ट है आपके सामने बताना चाहूँगा और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने याद रखना हो बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है ये एक प्रोक्रियोट है यह जो प्रोक्रियोट है ये अमीबा की शक्ल का है और यह अपने अंदर इंजेक्शन कर लेता है अंदर ले जाता है अरोबिक बैक्टीरिया को जैसे अरोबिक बैक्टीरिया जाते हैं चेंज हो जाते हैं अरोबिक बैक्टीरिया बन जाता है माइटोकोंड्रिया ठीक है अब मैं इस सेल को प्रो बनाऊंगा यह प्रो है तो मैंने प्रो सेल के अंदर अरोबिक बैक्टीरिया को लेकर जाकर मैंने इस सेल के अंदर माइटोकोंड्रिया को बना लिया फिर कहता है ये इंजेक्शन करता है अंदर लेके जाता है इस तरह वाले बैक्टीरिया को जिसका नाम स्पायरो चीट्स है जब ये अंदर लेके गया ये कन्वर्ट हो जाता है फ्लेजेला के अंदर अब ये प्रो के पास फ्लेजेला भी बन जाता है कहता है यही प्रो का सेल है अंदर ले जाता है साइनोबैक्टीरिया को जैसे साइनोबैक्टीरिया चला जाएगा तो ये ओटोट्रॉफिक यू सेल बन जाएगा अगर नहीं जाएगा तो ये हैट्रोट्रोफिक यू सेल होगा अब क्वेश्चन यहां पर ये है कि आपको पता है यू में माइटोकॉन्ड्रिया होता है डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है अगर देखा जाए क्लोरोप्लास्ट भी होता है डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनली है तो जिनके पास ये माइटोकांड्रिया और क्लोरोप्लास्ट होता है वो यूकैरियोट है अब ये यूकैरियोट सेल मैंने कैसे बनाया इंजेक्शन करके अंदर लेके जाके अब यहाँ पे मैं आपको एक-एक पॉइंट जो मैंने बताया ये मैं कैसे लिखूंगा ये देख सकते हैं के फ्लेजेला अराइज होता है ये बनता है थ्रू द इंजेक्शन ऑफ स्पायरल फॉर्म स्पायरो बैक्टीरिया, जैसे स्पायरो बैक्टीरिया अंदर गया वो फ्लेजेला की शक्ल में आ जाता है माइटोकोंडिया कैसे बनाए मे हैव अराइज़ फ्रॉम इंजेक्शन ऑफ अरोबिक बैक्टीरिया, अरोबिक बैक्टीरिया जब अंदर गया इंजेक्शन होती है वो माइटोकोंडिया में चेंज हो जाता है अगर मैं कहता हूँ क्लोरोप्लास्ट कैसे बना है यह अराइज होता है थ्रू द इंजेक्शन ऑफ साइनोबैक्टेरिया साइनोबैक्टीरिया अंदर गया तो बेटा वो क्या बन जाता है जिसको नाम दिया जाता है क्लोरोप्लास्ट तो इंजेक्शन की मदद से ये हमारे पास पहले हाइपोथेसिस आ जाती है अगली एक हाइपोथेसिस है बड़ी सिंपल और बहुत ही सिंपल मम्ब्रेन का अंदर इन्वेजिनेट होना ये प्रो सेल है अगर अंदर इन मम्ब्रेन इन्वेजिनेट हुई है जहां से इनवेजीनेट होगी वहां से कुछ स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट हो जाए जैसे ये इन्वेजिनेशन हुई जीनोम बन गया इन्वेजिनेशन हो रही है माइट्रोकोड्रिया बन गया इन्वेजिनेशन हो रही है क्लोरोप्लास बन गया तो कहते हैं जैसे ही मम्ब्रेन अंदर की तरफ इन्वेजिनेट होती है तो अंदर मेरे बच्चे मम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनली बन जाते हैं और जब मम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनली बन जाते हैं तो बेटा आप उसको नाम देते हैं दे आर कोल्ड यूक्रियोटिक सेल है अब देखें मैं क्या कहने लगा यहां पे क्या हुआ इन्वेजिनेशन हुई है प्रोक्रियोटिक सेल मेम्ब्रेन की और रिजल्ट में क्या बन गया जीनोम बन गया एज अ रिजल्ट डबल मेम्ब्रेन बाउंड्री ऑर्गेनिज ऑफ फॉर्म इसी तरह से अंदर डबल मेम्ब्रेन बाउंड्री ऑर्गेनिज बन गया जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास तो इन्वेजिनेशन से आप देखेंगे प्रो किससे बना बेटा है यू में ये सिंपल हाइपोथेसिस है जिसका नाम क्या एंडोसिम्बियट हाइपोथेसिस है एज इट इज ही लिखना होता है इंशाल्लाह आपके नंबर नहीं कटेंगे तो ये बड़ा आसान और सिंपल सा टॉपिक था इवोल्यूशन फ्रॉम प्रो टू यू ओके बेटा अल्लाह हाफिज़